श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महामत ले आए निशत श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय पर श्रृंगार ग्रंथ का आठवां प्रकरण ये भी सातवें प्रकरण की भांति ही है उम्र जात प्यारी सुपने निश दिन पियू जपत कहते हैं कि इस स्वप्न के जगत में पूरी उम्र रात दिन पीओ पीओ वैसे जपते हुए बीत जाता है फिर भी स्वप्न में भी लाल कदम न छोड़े मोमिन तो ब्रह्म आत्माएँ राज्य के चरण कमल की लालिमा को छोड़ती ही नहीं है उनके लाल चरण कमल लाल का मतलब चरण कमल में लालिमा है ऐसे चरण कमल को छोड़ती नहीं है जाके असलाह का निस्वत तो उनका उसी से संबंध है माँ गई प्यारी उम्र ये जो द के रब द के समय पर परिसंवाद के समय पर उन्होंने इन्हीं चरणों को मागा है ये खेल मांगा तो उसमें उन्होंने इन चरण से दूर न होने का भी संकल्प लिया था लाल पांव तली छोड़े क्यों मोमिन जाके असल हक निष्वत तो राज्य के चरण तली तो उनकी लालिमा है उसको ब्रह्मात्मा कैसे छोड़ सकती है कहने का तात्पर्य तो इन चरणों को ब्रह्मात्मा नहीं छोड़ सकती तो चरण का वर्णन भी कर रहे हैं और ब्रह्मात्माओं के भाव को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं पाओ निषदिन छोड़े ना मोमिन स्वपन या सोवत तो स्वप्न में हो या सोए हुए हो, किसी भी समय पर सो क्यों छोड़े बेशक जागे जाके असल हक है तो जब ब्रह्मात्माएं राज्य के चरणों को सोते हुए भी नहीं छोड़ती है नहीं भूलती है तो जागृत अवस्था में कैसे भूलेगी तो कहने का तात्पर्य जागृत होने के बाद में तो निरंतर राज्य का स्मरण होना चाहिए जब उड़ी नींद सल की हक होए हक देखे होए जागृत जब नींद उड़ जाती है तो हक हाँ देखे हुए जागृत स्वर्य राज्य के देख कर जागृत होकर के श्री राज्य के मुखारविंद के दर्शन करते हैं तो राज्य के दर्शन करते हैं केवल मुखारविंद के, मुखार के नहीं पूरे संपूर्ण उनके स्वरूप का सुखलेशी खेलकार समय जाकी जाके असल हक निष्वत तो ब्रह्मात्माएँ परम धाम में जागृत हो करके परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करती है दीजे परिक्रमा अरस्य की मोमिन दिलना सखत ब्रह्मात्माओं का हृदय है वो कोमल होता है सख्त नहीं होता है कठिन नहीं इसलिए ब्रह्मात्मा रात दिन परम धाम की परिक्रमा देती है कहने का तात्पर्य परम धाम का स्मरण करती रहती है परम धाम का स्मरण करती है तो वो परिक्रमा ही हो जाता है सूते भी कदम ना छोड़ाई असल हक कनिष्वत नींद में भी हो तो भी तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को नहीं छोड़ती है वो उनके साथ तो उनका संबंध है ही सुख आगु और द्वार के कई विध के लकरत परमधाम के द्वार के सम्मुख भी ब्रह्मात्माएँ कई प्रकार की लीलाएं करती है सो क्यों छोड़े चरण हक के जाके असल हक निश्वत ऐसी आत्माएं जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है वो इन चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती है करे स्वपन में कुर्बानियाँ ऐसे मोमिन अलमस्त मोमिन ब्रह्मात्माएँ इस प्रकार मस्त हैं अलमस्त का तात्पर्य मस्त है इस प्रकार वो मस्त हैं कि स्वप्न में भी अपने आप को समर्पित करती उनको किसी प्रकार की दुनिया की कोई चिंता नहीं है सुते भी कदम आना छोड़ा ही जाके असल निष्वत स्वप्न में भी वो राज्य के चरणों से दूर नहीं होती है क्योंकि उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से है स्वपन कदम पकड़ के तापर अपना आप वारत स्वप्न में भी इन्हीं चरणों को पकड़ करके उनके प्रति स्वयं को समर्पित कर देती है हक करे सुरखरु इनको जाके असल हक निष्बत सुर्खरों का, का अर्थ होता है समान तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो इनको अपने समान बना लेते हैं कि अपने अपने दिल में रख लेंगे तो फिर क्यों पर, कितनी बड़ी बात हो गई तो ऐसी ब्रह्मत्माए हैं इनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है लेवे सुख बाघ मोहल्लन में मल्हार में वर्षा ऋतु तो परमधाम में वर्षा ऋतु के समय पर मल्हार का तात्पर्य वर्षा तो वर्षा ऋतु तो में तो वर्षा ही होती है तो ये आषाढ़ आश, महीना तो आषाढ़ फिर श्रावण ये वर्षा ऋतु तो भाद्र भाद्र और भाद्र और अश्विन फिर ये शरद ऋतु और उसके बाद में कार्तिक और मंगशिर, हेमंत ऊष और माघ शिशिर इस तरह से फागुन और चैत वसंत इस प्रकार से होता है ऋतुओं का तो ये मल्हार में तो वर्षा के समय पर तो वो परमधाम के बागों में सुख लेती है ये रूहें क्यों छोड़े चरण सुपने जाके असल हक तो ऐसी ब्रह्म आत्माएँ जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म से सदैव है वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है रूहें खेले मलार बन में हक आदि की सोहबत तो ब्रह्मात्माएँ श्री राज्य और श्यामा जी के साथ में वर्षा ऋतु में वनों में भी खेलती है वन में खेलती है वर्षा ऋतु का तात्पर्य क्या है कि स्वाभाविक रूप से तो ऋतु राज्य चाहेंगे उस प्रकार से होते ही हैं जब ब्रह्मात्माएँ चाहती है तो उसी समय फिर राज्य उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं तो किसी भी समय कोई भी ऋतु उपस्थित हो सकती है तो ऐसे समय उसमें भी ब्रह्मात्माएँ खेलती हैं एक क्यों छोड़े चरण मोमिन जाके असल हक कनेशवत वो राज्य के चरणों को कैसे छोड़ सकती है मोमिन बसे अरस बन में ऊपर चाहा मेह वर्षत तो जब ब्रह्मात्माएँ परम धाम के बनों में विचरण कर रही हो और ऊपर आकाश में तो बादल बरसने के लिए नीचे 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 उतर करके आए हुए हों शो क्यों रहे न पाओ बिना जाके असल हक अनिस्वत तो उस समय तो क्या होता है कि अंधेरा अंधेरा भी छा जाता है तो ऐसे में तो उस राज्य के चरणों को छोड़ करके कहाँ जाएंगी उनको तो छोड़ ही नहीं पाती है तो ऐसा कहना चाह रहे हैं रूहे मलार अर्श बाग में ऊपर शेरडियां गरजता मलार के समय पर, पर परमधाम के बाग में होती है और ऊपर शेरड़ियाँ बादलें तो जो बारिश करने के लिए एकदम टपकने वाली हो ना तो ऐसे बादल को गुजराती में शेरडी बोल देते हैं तो आकाश में वो गर्जना करते टकराते हैं और फिर बारिश होती है तो रूहें सुपने पाँव न छोड़ ही जाकि असल हक अनिस्वत ऐसी ब्रह्मात्माएँ इस स्वप्न में आकर के भी उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती रूहें खेले हक आदिशों में नूर बिजली यहाँ चमकत राज्य और श्यामा जी के साथ में ब्रह्मात्माएँ परम धाम के बनऊ में खेलती हैं तो उस समय बिजली भी चमकती है तो ऐसे समय पर भी वो राज्य श्यामा जी के साथ में होती हैं तो ऐसी आत्माएं सो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असलह का निश्वत वो राज्य के चरण कमल को छोड़ करके कैसे रह सकती है तो यहाँ चरण कमल के माध्यम से कदम परिक्रमा लिखा है ना इस प्रकरण में तो इन चरण कमल के साथ में पूरे परमधाम की परिक्रमा परमधाम के अलग अलग दृश्यों का वर्णन करके बता रहे हैं हक खेलौने कई खेला वही कई मोर कला पूरा राज्य के खिलौने के समान ये पशु पक्षी वगैरह कई खेल कईयों को राज्य खेलाते हैं तो राज्य चाहते हैं तो उस समय सब आकर आ करके कर खेलने लगते हैं कई मोर कला पूर्तम और भी अपने अपने कलाएं दिखाते हैं शो क्यों छोड़े पाँव हक तो के जाके असल निश्वत तो ब्रह्मात्माएं ब्रह्मात्माएँ राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है रूहें खेले अरस के बाग में कई पंखी खेलावत ब्रह्मात्माएं परमधाम के बगीचों में खेलती है तो उस समय कई पशु पक्षी उनको भी खिलाते हैं वो भी खेलने लग जाते हैं उनके साथ में शो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निस्वत तो पशु पक्षी वो राज्य चाहते हैं आ, उस समय पशु पक्षी जैसा ब्रह्मात्माएँ चाहते उस प्रकार से उनके साथ में खेलते हैं तो ऐसे सर राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है रूहें सुपने दुनी को नला कही जा को मुर्दार कही हजरत तो ये ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी दुनिया के साथ संलग्न नहीं हो सकती है कहने का तात्पर्य दुनिया में भूल नहीं सकती है राज्य को छोड़कर के दुनिया के तरफ नहीं जा सकती है जा को मुर्दार कही हजरत हर हजरत जिसको हजरत कहने से जितने भी संदेश देने वाले परमात्मा का संदेश देने वाले महात्मा आए हैं जगह इस जगत में महापुरुष उनको हजरत कहते हैं ऐसे को तो वो उन्होंने दुनिया को मुर्दार कहा है ऐ मृतक समान माना है तो ऐसी दुनिया की तरफ क्यों लग लगती है ए हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक अनश्वत इनका तो संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है तो वो उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है ए रूहे हक आदि संग विध विध वन विलसत तो ये ब्रह्मात्माएँ राज्य के साथ में वनों में विभिन्न प्रकार के लीलाएँ करते हैं राज्य और श्यामा जी के साथ में एक क्यों छोड़े कदम मोबिन जा असल हक अनिस्वत तो ऐसी ब्रह्मात्माए राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराई पिलावत सातों घाट में खेलने वाली ये आत्माएं इनको श्रीराज जी अपने प्रेम सुराई से पिलाते हैं प्रेम पात्र से अपने हृदय से इनको प्रेम पिलाते हैं रूहें स्वप्ने न छोड़े कदम को जाकी असल हक निस्वत ऐसी ब्रह्मात्माएं स्वप्न में भी श्रीराज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ सकती है क्योंकि इनका असली संबंध श्रीराज्य से ही है रूहें शराब का सुराई का पैदर पे पीवत तो ब्रह्मात्माए राज्य के राही का मतलब राज्य के पात्र का हृदय का प्रेम है तो वो पीती रहती हो पैदर पे पीवा मतलब तो निरंतर पी, निरंतर उसका पान करती रहती हो तो बेहोश हुए न छोड़े कदम यदि दुनिया में बेहोश भी हो जाए तो भी राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ेंगी जाकी असलाह का नश्वत उनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से ही है झूले पुल महल साम सामी जल बीच महोल झलक पुल महल में ऐसे सामने सामने कुछ ब्रह्मात्मा एक तरफ कुछ दूसरे तरफ ऐसे वो वहां पर झूलती है रूए हक कदम क्यों छोड़े जाके असल हक निस्वत ऐसी ब्रह्मात्माएं इस राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है रूहे रमे किनारे के हक आदि रूहे झीलत ये ब्रह्मात्माए यमुना जी के किनारे में श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में झीलना करती है अलग अलग घाटों में कर सकती है विशेष करके पाठ के घाट की बात करते हैं सो सुपन कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्वत जिनका असली संबंध राज्य से है और उनके साथ में परमधाम में अलग अलग लीलाएँ करती है तो वो अपने राज्य के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है ये स्वप्न में भी राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ सकती है तो इस प्रकार ये चरण कमल के माध्यम से पूरे परिक्रमा परमधाम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करके परम धाम को भी समझा रहे हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जाबत रूह रमे किनारे जो के हा कहा रूहै झीला त जाके के आ सलाह जाके आ सलाह कनेश